जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास ट्वेल्थ की, उसी का ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो पहले देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन किस कहते किसे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लिसिट। ये एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो फंक्शन होता है जिसमें एक्स का टर्म एक तरफ और वाई का टर्म एक तरफ, मतलब इक्वल के एक साइड एक्स के टर्म रहेंगे और दूसरी तरफ वाई के टर्म रहेंगे। कॉन्स्टेंट दोनों तरफ हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, ठीक। इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं होता, इम्प्लिसिट में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है कि हम एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू, ये लिखा है। तो ये क्या है, टू वाई मान लीजिए, ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्स के टर्म एक तरफ, वाई के टर्म एक तरफ। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। यहां पर हम एक्स इक्वल के एक तरफ एक्स और इक्वल के दूसरी तरफ वाई नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। तो अब हम इनका डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है। आज हम इन्हीं का डिफरेंशिएशन देखेंगे। सीधे रटने की कोई बात नहीं है, सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। ट्वेल्थ क्लास की एक्सरसाइज एनसीईआरटी खोल लीजिएगा 5.3। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई एक्स का फंक्शन हुआ तो हम वहां पर फार्मूला लगाएंगे, ये सारे फार्मूले लगाएंगे, साइन के कॉस के। अगर कोई दूसरा फंक्शन हुआ x की बजाय तो हम उसको डायरेक्ट ये लिख देंगे। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बस यही काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं इसको। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट में, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy by dx, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x। तो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या मिली, cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका क्या है, आंसर है। इसमें आपको क्या पूछा गया था, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक। तो समझ में आ गया, कुछ भी चिंता की बात नहीं है। x के अलावा जो भी फंक्शन दिखेगा वहां पर d by dx लग जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, अगर कांस्टेंट अलग से है तो, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट यहां पर क्या करेंगे, टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन प्लस थ्री वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इसको पूरे को क्या मान लीजिए, वाई को एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। फिर x का डिफरेंशिएशन कीजिए, x की जगह क्या है y, y का डिफरेंशिएशन dy by dy by dx के टर्म एक तरफ लाइए, तो 3 माइनस cos y dy by dx। तो यहां से dy by dx क्या मिला, 2 डिवाइडेड by 3 माइनस cos y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिए। a x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस b, इसको मान लीजिए x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का कीजिए तो x की जगह y है, तो y का हो जाएगा dy by dx। ये मान लीजिए cos x लिखा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर x का डिफरेंशिएशन x की जगह y लिखा है, तो dy by, तो क्या आया, a इज इक्वल टू माइनस
टू बी वाई प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बी वाई प्लस साइन वाई आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, क्यू इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दिए प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन वाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है टू एक्स, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ ले लीजिए तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये आपका आंसर। चीजें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां पर u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिएगा क्योंकि दो फंक्शन इंटू हैं, बाकी कहीं भी सिंपल फार्मूले लगेंगे, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स वाई का फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर का टू वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ लिख लीजिए तो एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, माइनस टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आंसर। ठीक, नेक्स्ट बिल्कुल आसान है, यू इंटू वी का फार्मूला यहां पर, यू इंटू वी का फार्मूला यहां पर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस यहाँ पर कीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का टू वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ लिख लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, यह आपका आंसर। ठीक, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अरेंज कर लीजिए, बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें अगर ये अंदर ऐसे लिखा है तब दूसरा होगा, और अगर खाली cos एक्स वाई लिखा होगा तो दूसरा होगा। ठीक, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है, आप बुक में देख लीजिएगा, मैं एक बार ऐसे भी बता देता हूँ और दूसरी बार दूसरी तरीके से भी बता देता हूँ। सपोज मैं ये देखता हूँ कि ये लिखा है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो कॉस, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस का डिफ्रेंशिएशन
माइनस साइन, फिर अंदर उसके कीजिए एक्स वाई का, एक्स वाई में यू इंटू वी का फार्मूला लगा लीजिए, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखिएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इन टू में माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जी, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ लिख करके और इसको इधर ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स। आंसर ये तब है जब यहां पर कॉस एक्स वाई एक साथ हो, अगर कॉस एक्स इंटू वाई लिखा हो तो समीकरण दूसरा बनेगा, इक्वेशन दूसरी बनेगी, उसको भी देख लेते हैं। अगर ये लिखा हो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, अगर ऐसा हो, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बुक में कैसा लिखा है, अगर ऐसा भी हो तो क्यू इंटू वी का यहां पर फार्मूला लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर का तो टू साइन वाई, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वी का फार्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन टू वाई प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू वाई प्लस कॉस। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देख लीजिए कैसे चेंज हो गया, ठीक, बेसिक प्रोसेस वही है जो पहले बताए थे, यू इंटू वी पहले एक्स वाई में लग रहा था, आपकी बार कॉस एक्स इंटू वाई में लगा, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, तो टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस टू कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई, मतलब साइन टू एक्स और साइन टू वाई। आंसर ठीक, दो का गुणा कर दीजिए, दो का भाग कर दीजिए, टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनती है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने एक पढ़ा होगा फार्मूला, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर जब अपलोड होगा उसमें आप देखिएगा ये आइडेंटिटी आएगी। आप तो ये जो लिखा है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर मान लीजिए क्या, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, क्या मान लीजिए x इक्वल टू टेन थीटा, जैसे ही आप मानेंगे
ये क्या लिखा है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन 2 थीटा, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये y इज इक्वल टू क्या मिला है, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन इनवर्स x। तो यहां पर लिख दीजिए 2 टैन इनवर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल टू 2 d by dx ऑफ टैन इनवर्स x। टैन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जो इनवर्स वाले हैं ये आगे आपके लेक्चर में आ जाएंगे तो आपको बता देंगे, अभी के लिए याद रखिएगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक, नेक्स्ट, ये किसका फार्मूला बन रहा है, टेन 3 थीटा का। टेन 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए कि लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल तो क्या बचा, 3 थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन इनवर्स x। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy by dx क्या मिला, 3, और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x square, ये आपका क्या है, आंसर। देखने में इतना बड़ा लग रहा था, आपने इसको तुरंत ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये तभी आता है जब आप अभ्यास कीजिए करेंगे और बार बार क्वेश्चंस, और देखिए जो भी आप पढ़े हैं ना, जैसे आपने सेट पढ़ा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये क्वेश्चन कुछ जो हमारे पास पहले से ज्ञान मौजूद है क्या उसको लगाकर अप्लाई करके सॉल्व हो सकता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसी को, मैं ये मान लूं कि ये पूरा x लिखा है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैं इसी को दूसरे तरीके से कर रहा हूं ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक तरीका तो ये हुआ, आंसर क्या आया, 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे तरीके से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखिए हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स x, तो dy by dx क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर कर दिए इनटू के बाद इसके अंदर का कीजिए जो tan के अंदर लिखा है, हमने तो इसको x मान लिया था ना, तो 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर कर दिया। अब इस x का कीजिए, तो x में क्या लगेगा, u बाई वी का फार्मूला, तो u बाई वी का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 और x क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x स्क्वायर का 6x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, क्या आया, इसको लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इनटू, इसको ओपन कीजिए, तो 3
माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स की पावर फोर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अट्ठारह एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको, ये क्या आ रहा है प्लस अट्ठारह और नौ तीन बारह, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस प्लस छः एक्स स्क्वायर और ये थ्री एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई, इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कुछ कैंसिल होगा, थ्री ये क्या लिखा है एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए तो एक्स की पावर सिक्स आगे एक्स की पावर फोर वाले प्लस थ्री एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही लिखा है, ये क्या लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा करके कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी, हाँ जी, तो ये क्यूब और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया थ्री अपान वन प्लस एक्स, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले वाले मेथड से करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने आपको दोनों मेथड करके दिखा दिया, ठीक। नेक्स्ट, वहां पर कॉस है तो आपको ये आइडेंटिटी में ऐसा लाना है कि कॉस आए, तो कॉस का एक फार्मूला होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर, तो एक्स को क्या मान लीजिए टेन थीटा, जैसे ही मानेंगे तो ये लिखा मिलेगा कॉस टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला टू थीटा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स, दूसरा तरीका वही कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता नहीं है अभी, अगर पता चल जाएगा तो वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक आगे बताते हैं अभी। सिमिलरली
साइन है तो यहां पर साइन का फार्मूला बनेगा, वन माइनस एक्स की वैल्यू अगर टेन रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या रख दीजिए, साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक। तो एक्स की वैल्यू क्या है, टेन थीटा। तो ये क्या बना, साइन इनवर्स, ये बन गया कॉस टू थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस टू, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो क्या मिला, वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस टू वन प्लस, ये आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो नए नए फार्मूले मिल रहे हैं आपको, इनको साइड में कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल ये रिपीट होंगे। ये क्या लिखा है, x की वैल्यू tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है, ये है साइन टू थीटा का फार्मूला। अब इनवर्स वाला फार्मूला यहां पर लगाइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई, कॉस निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन टू, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, ये है वाई की वैल्यू, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं, साइन थीटा, कैसे जाने, क्योंकि जैसे ही साइन थीटा मिलेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बचा क्या, टू थीटा,
तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस। कैसे निकालते हैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन वो आगे आपको बता देते हैं, ठीक। अभी फार्मूला आप याद करते चलिएगा, आपको टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मिल चुका है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मिल चुका है। चलिए वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, आपने कॉस टू थीटा का फार्मूला पढ़ा है, ये पढ़ा होगा, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में वहां पर लिखा है, x इक्वल टू क्या मिलेगा cos थीटा, तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या मिला थीटा, यहां पर पुट कर दीजिए y इक्वल टू sec इनवर्स, ये हो जाएगा वन अपान cos टू थीटा, वन अपान cos टू थीटा क्या हो जाएगा sec टू थीटा, तो क्या हो जाएगा टू थीटा, टू थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यही आपका आंसर, ठीक। तो आपको इनवर्स के तीन फार्मूले मिल गए, अब जरा देख लेते हैं कि इनवर्स के फार्मूले कैसे आते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो चलिए देख लेते हैं। लेट हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला वन बाई कॉस वाई, और वन बाई कॉस वाई को लिख सकते हैं वन अपान अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई का वैल्यू क्या है एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो इसकी इसका फार्मूला क्या मिला वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स का निकालिएगा, तो इसका मिल जाएगा माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, निकालने का तरीका यही है, टेन इनवर्स एक्स का निकालेंगे, डेरिवेशन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप कहीं भूल जाएं तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, वैसे भूलिएगा नहीं क्योंकि ये बेसिक फार्मूले हैं, अगर ये नहीं आएगा डिफरेंशिएशन पर पूरी कमांड रखनी है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो ना तो इंटीग्रेशन होगा, ना फोरियर सीरीज होगी, ना लाप्लास ट्रांसफार्म आएगा आपको, ठीक, और ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, और जब ये सब नहीं आएगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएंगी, सर्किट नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ना है, खास करके डिफरेंशिएशन को, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो साइन कॉस और टेन का फार्मूला पता चल गया, अब आगे देखते हैं जो काट होता है वो टेन का ही माइनस साइन होता है, निकालने का तरीका यही है, ठीक। अब चलते हैं सेक और कॉसेक में, ठीक। तो सेक इनवर्स एक्स को वाई मान लेते हैं, तो सेक वाई को एक्स मान लिए,
डिफरेंशिएट कर दीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, फिर y का dy by equal to 1, तो dy by dx क्या आया 1 upon under root sec y tan y। अब ध्यान से देखिए, अगर sec y x है, sec होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम से, sec क्या होता है cos का उल्टा, cos का रिवर्स, और cos क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और ये एंगल है y, अगर ये x है ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यहां पर क्या लिखा है 1 अपान sec y की वैल्यू है x, और tan y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, जो कॉसेक एक्स का होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का वो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के साथ। तो ये छह फार्मूले आप याद रखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के छह नॉर्मल फार्मूले, छह इनवर्स के फार्मूले, कभी भूल जाए तो ऐसे ही निकालिएगा ठीक। और ई ए की पावर एक्स ये सारे हो गए, अब आपके डिफरेंशिएशन के पूरे फार्मूले हो गए, डिफरेंशिएशन में इसके अलावा कोई फार्मूला है ही नहीं, अच्छे से एक कॉपी बना लीजिए फार्मूले की और उसको बार बार पढ़िए ठीक, बार बार लिखिए, बार बार डिराइव कीजिए, बार बार सोचिए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज करेंगे, फार्मूले आपके ख़त्म हो गए हैं, फार्मूलों का खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए और क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश की ठीक है, चैन रूल लगा करके। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।